शाक्स, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी पर इतना गर्व है कि हम कई देशों में अनाज एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारी यील्ड दूसरे देशों के मुकाबले कितनी कम है? उदाहरण के तौर पर इंडिया और चाइना हर साल लगभग 60 लाख टन कॉटन उगाते हैं, जिसके लिए इंडिया को 1.25 करोड़ हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ती है और चाइना को सिर्फ उसका 1/4 यानी कि 30 लाख हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि चाइना में टेक्नोलॉजी अडॉप्शन खेती में बहुत ज्यादा है। आज के बदलते भारत में जहाँ स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी की मदद से खेती की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी अपना हाथ बढ़ाएं और अपने किसानों की यील्ड बढ़ाएं। इसी मिशन के साथ हम लाए हैं ग्रोइ। नमस्कार शाक्स, मैं हूँ सौरभ अग्रवाल। मैं अक्षय अग्रवाल, हम सूरत से हैं और हम हैं ग्रोइ के फाउंडर्स। ग्रोइ एक ऐसा ब्रांड है जो प्रोटेक्टिव फार्मिंग यानी संरक्षक खेती की अवेयरनेस और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स देता है। बहुत देशों में 70-80% फार्मर्स इस फार्मिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, पर भारत में सिर्फ 2% फार्मर्स इसके बारे में जानते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स इंश्योर करते हैं कि खेत में पानी, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर कंजम्पशन 50% से कम हो और प्रोड्यूस को सनबर्न और रस्टिंग से बचाए और वीट ग्रोथ को रोक सके। इससे क्रॉप की यील्ड, क्वालिटी और फार्मर की इनकम 50% से लेकर 100% तक बढ़ सकती है। हमने भारत में 4 स्टेट्स में 15,000 फार्मर की यील्ड बढ़ाई है। हमारा विजन है कि हम भारत के हर किसान को प्रोटेक्टिव फार्मिंग के बारे में अवेयर करें और उन तक हमारे प्रोडक्ट्स पहुंचाएं। शार्क्स, हमारा आस्क है 1 करोड़ रुपीज इन एक्सचेंज फॉर 1% ऑफ इक्विटी। आइए शार्क्स, मिलकर बढ़ाएं हर किसान का प्रॉफिट विद ग्रो इट। हमारा भी बढ़ा दो भाई थोड़ा। तो अक्षय एंड सौरभ, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है एंड आपने एक अच्छा सेक्टर पिक किया है, एग्रीकल्चर, जो इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? एंड प्रोटेक्टिव फार्मिंग तो और भी इम्पोर्टेंट है, और आपने बताया वाटर, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर 50% लेस यूसेज। तो ये तो एक बहुत साइंटिफिक प्रोडक्ट हो गया। मेरी मॉम का बहुत बड़ा फार्म है और वो खुद ये सब करती है। तो क्या साइंटिफिक नॉलेज आपने यूज किया, बेस्ड ऑन वॉट, वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन बैकग्राउंड? तो शाक्स, हम लोग दोनों 3rd जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं और मैंने मेरी ग्रेजुएशन यूके कार्डिफ यूनिवर्सिटी से करी है और मैंने मेरा एमबीए एसपीजेएन कॉलेज बॉम्बे से किया है और मैंने मेरा बैचलर्स और मास्टर्स प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग में किया है यूएस से, इन यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स नियर बॉस्टन। आप भाई है दोनों? सगे भाई? सगे भाई ऑफ दोनों। ओह, लुक लाइक एनीथिंग लाइक ईच अदर। तो ये एग्रीकल्चर का नॉलेज आपको कहां से आया? मेरी एक हॉबी थी घर में कुछ थोड़ा बहुत फार्मिंग करने की और मैंने सोचा कि क्यों ना हम घर में जो भी खाते हैं वो हम फ्रेश खुद ही उगा के खाएं। तो वहाँ से हमने एक छोटे फार्म पे थोड़ी बहुत फार्मिंग करनी शुरू की। मेरी रुचि उसमें और बढ़ी तो हमने फिर सोचा कि एक बार थोड़ा स्टडी करते हैं कि फार्मिंग में और क्या क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और हमारी खुद की फार्म को हम कैसे बेटर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इंडिया में कुछ टेक्नोलॉजीज हमें नहीं मिल रही थी, तो हम यूरोप, यूएस, चाइना सब जगह गए। तो हम लोग वो प्रोडक्ट्स लेके आए इंडिया, हमने वो प्रोडक्ट्स को हमारे फार्म पे यूज़ किया लेकिन नहीं चले। तो उसके बाद सिंस अक्षय का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है तो आई थिंक ही कैन एक्सप्लेन बेटर देयर। उन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स दिए और उन्होंने बोला कि देख क्या है क्या नहीं है, प्लास्टिक्स रिलेटेड है। तो फिर मैंने पीछे से R&D करी और मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बना के भी दिए और हमने जब सक्सेस हमको हमारे फार्म पे मिली तो हमने फार्मर्स को दिया कि आप भी ट्राई करो। ओके। तो जब उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो हमने सोचा कि अगर ये कुछ फार्मर्स में इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो अगर हम देश भर में ये काम करें तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन की तरह हो सकता है। आपका फार्म है कहाँ? सूरत में। सूरत। और आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है फार्मिंग में? मुझे फार्मिंग का ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे प्रोडक्ट डेवलपमेंट का इंटरेस्ट है। आपको पैसा बनाना है। अरे आपने बताया 50-100% यील्ड बढ़ जाती है फार्मर्स की, वो क्या किया आपने, क्या इजाद किया? मैं कुछ केस स्टडीज बताना चाहूंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉटन विदाउट एनी मल्चिंग फिल्म और उसके हो रही है और यहाँ पे विद मल्चिंग फिल्म हो रही है। सो इसके कारण अगर आप नीचे नंबर्स देखेंगे तो फार्मर्स को नेट इनकम में ऑलमोस्ट डबल का बेनिफिट हुआ है। एवरेज है कि टॉप सक्सेस स्टोरी? नहीं नहीं नहीं, एवरेज है, क्योंकि ऑन एन एवरेज 5-10% का फार्मिंग प्रैक्टिस के बेस पे उसका वेरिएशन हो सकता है। ठीक है। ये क्या है मल्चिंग फिल्म? सो मल्चिंग इज बेसिकली टू कवर द सॉइल, उसका जो मॉइस्चर लेवल है उसको प्रिवेंट करने के लिए, वीड ग्रोथ को रोकने के लिए और जो पेस्ट अटैक होता है उसको भी रोकता है। और किस मटेरियल का बना है? प्लास्टिक मटेरियल। टोटल इंडिया में मल्चिंग, ये जो प्लास्टिक है,
इसके कितने मूल्य की खपत है? तो आज के टाइम पे खाली मल्चिंग की अगर बात करें तो लगभग 450 से 500 करोड़ का मल्चिंग इंडिया में सेल। That represents only 2%. Only 2%. Got it. Thank you. फार्मर्स को जब आप ये बताते हो तो मान जाते हैं आपकी बात? हाँ, फार्मर्स को अगर उनको प्रॉपर तरीके से अगर कन्वे करते हैं तो वो लोग डेफिनेटली दे आर वेरी अडॉप्टिव है उस चीज के लिए, और उसकी के लिए हमने डेमो फार्म्स बनाते हैं। तो हम हर तालुका में 70 से ज्यादा अभी तक डेमो फार्म्स बना चुके हैं और उसी का एक नमूना यहाँ पे रखा हुआ भी है। मल्चिंग है ना? हाँ, ये मल्चिंग है। यस, ये मल्चिंग है और ये वीड मैट है। जैसे आप देख रहे हैं ये वीड्स है, जो जंगली घास जिसको कहते हैं अपन, तो वो ना उगे उसके लिए, क्योंकि वो न्यूट्रिशन खा जाता है सॉइल का। ये क्रॉप कवर है। हाँ, तीन ही प्रोडक्ट्स? नहीं नहीं, प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे, लेकिन डेमो फार्म में हम सारे तीन हमने दिखाए हैं। हाँ, गॉट इट। ये भाई साहब ये ले जाएं। सर वो देना ही आपको ही देने के लिए लाए हैं। आपने हमारा काम आधा कर दिया। अरे आप हमारी वैल्यूएशन आधी कर दो। अभी आपके जो प्रोडक्ट रेंज है सब कुछ इसमें कवर है कि इसके अलावा भी कुछ है? टोटल 18 प्रोडक्ट्स है, सारे इसमें कवर। इसके नीचे भी एक ड्रॉवर है। इसके नीचे एक ड्रॉवर है। ये बड़ी बारीकी से आपने बनाया, बड़ा अच्छा लगा देख के। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है। पर आपको नहीं लगता है कि धीरे धीरे जैसे प्लास्टिक बैन हो रहा है तो ये प्रॉब्लम आएगा आपको? तो जो हमने आरएनडी करी, हमने इसमें जो एडिटिव्स डाले हैं वो इंश्योर करते हैं कि क्रॉप की हार्वेस्ट के बाद भी फिल्म लास्ट करे। सो हम लोग इंडिया के फर्स्ट कंपनी है जो ये फिल्म बायबैक भी करती है, और हमने लॉन्च जस्ट 6 महीने पहले किया और अब तक हमने 40 लाख वर्थ ऑफ फिल्म बायबैक करके उसको रिसाइकल भी किया। अभी आपने ये नहीं बताया कि मल्चिंग का खर्चा कितना है? सो एक एकड़ के ऊपर फार्मर्स को 12 से 15 हज़ार रुपये पर एकड़ का खर्चा आता है, जिसके सामने उसका आउटपुट जो है वो ओवरऑल डबल हो जाता है, जो उसकी इनकम ओवरऑल डबल हो जाती है। आप ही कह रहे हो कि जो मोटा मोटी जो मल्चिंग का खर्चा है वो तो इसकी जो सेविंग हुई उसी में कवर होगा। एग्जैक्टली, ये बेंचमार्क नंबर है सारे। हाँ जी, बिल्कुल कमाल का। 18 प्रोडक्ट में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका सेल 30-40-50-60-70% हो आपके सारे बिजनेस का? मल्चिंग फिल्म आज के दिन में हमारा ऑलमोस्ट 80% इज मल्चिंग फिल्म। मुझे 100 करोड़ का राज सुनना। श्योर। सो लास्ट ईयर की हमारी सेल्स थी 20 करोड़। वेल डन। और इस साल की हमारी अब तक की 6 महीने की सेल हो चुकी है 13 करोड़, जबकि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जो होता है वो पीक सीजन होता है। कितने में एग्जिट करेंगे? कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? इस साल हम लोगों का एक्सपेक्टेशन अराउंड 35-40 करोड़ की सेल का है। Wow. अभी 13 है, उसके बाद इतना सारा और हो जाएगा, क्योंकि सेकंड हाफ 6 महीने जो होते हैं वो हाईएस्ट। लास्ट ईयर 20 करोड़ के सीजन, लास्ट ईयर 20 करोड़ का रहा था, उसमें बताइए कि फर्स्ट हाफ में कितना गया था, सेकंड हाफ में कितना गया था? फर्स्ट हाफ में सिर्फ 6 करोड़ था, 14 करोड़ बाद में गया था। तो ऑलमोस्ट आपका 2.5x रिपीट होगी। भाई आप एक महीने का 2 करोड़ रुपए का मल्चिंग फिल्म या प्लास्टिक पेपर बेच रहे हो, जो भी मान लो आप उसको, कमाल की बात है यार। कहां से क्या हो गया? मैं ऑफर दे दूं? हाँ, पहले ऑफर ले लो फिर बात करते हैं। एक तो पहले ये एरिया में सचमुच मेरा बहुत इंटरेस्ट है, बिकॉज़ लाइक आई सेड, आई हैव ग्रोन अप सीइंग माय मॉम। मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्या लगता है कि 80% सेल्स आपका मल्चिंग से आता है। Yes. और ये जो 18 प्रोडक्ट्स है, यू नो, एक लाइफ साइकिल मैनेजमेंट बोलते हैं, a farmer at some point has to use all 18. तो जैसे आपका जो एक क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल, वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव क्यों लगा, क्योंकि 80% इफ इट्स मल्चिंग, वो फार्मर्स को हम बाकी 17 प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल कर सकते हैं। बिल्कुल। बॉटम लाइन, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर स्टोरी, आई थिंक आई कैन हेल्प यू। मैं आपको ऑफर देना चाहूंगी 50 लाख इन इक्विटी फॉर 1% इक्विटी। मैं आपको वैल्यू कर रही हूँ एट 50 crores एंड 50% डेट एट 10% इंटरेस्ट रेट। क्या उधार उधार दे रहे हो? बट आई एम ओपन। तुझे क्या है यार, तू तेरा दे। बहुत यारा, मतलब नाक डालते रहते, उनको क्या लगता है? मैं चुप बैठूंगी, मैं नहीं चुप बैठूंगी, चुप गब्बस। हाँ, अभी आप सुनिए मेरा ऑफर, ठीक है? I am open to negotiation. Shark कैसी हो? Dolphin. मैं अभी dolphin बन रही हूँ, because ये बहुत अच्छा call है, and मैं purpose में believe करती हूँ. But I think 50 crore valuation is fair. ना फर्क पड़ता है इन्हें प्रॉफिट से, ना फर्क पड़ता है यूनिट इकोनॉमिक्स से। नहीं, I love what you're doing. पर मैं ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। मुझे प्रॉफिट से फर्क नहीं पड़ता। मुझे जानना है प्रॉफिट कितना है। 60% सेल एक्सपेक्टेड है B2B बिजनेस से, जहाँ पे ये सब कंपनीज के साथ होगा, और 40% एक्सपेक्टेड है D2C, जो फ्रेंचाइज मॉडल है उसके साथ। और इसमें कितना मार्जिन है अपना? 22% ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें। आपके घर में कितना बचता है?
उसमें घर में अराउंड 5-6% का हम लोगों को एबिटा आता है और 2-3% का पैट आता है। और दूसरी साइड पे, दूसरी साइड पे 14 करोड़ आपका वहाँ रेवेन्यू हो गया। दूसरी साइड पे क्योंकि हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएशन के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं वहाँ पे हम लोगों को मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए काफी एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे हम लोग एबिटा पॉजिटिव है लेकिन हम लोग पैट नेगेटिव है, जिसके लिए हम लोगों ने कितना पैसा लॉस लास्ट ईयर हम लोगों ने 1.5 करोड़ बर्न किया था। इस साल कितना बर्न करा? इस साल अभी तक सो हमने मार्च में 3 करोड़ रुपीज फर्स्ट राउंड फंडरेज किया था कुछ HNI और बाकी इन्वेस्टर्स। क्या वैल्यूएशन? 50 करोड़ की वैल्यूएशन पे हमने फंडरेज किया था। देखो इक्विटी आपने क्या बताई थी? सो 50 करोड़ पे हमने 6% डाइल्यूट किया था, 3 करोड़ रुपीज रेज किए थे, रेस्ट इक्विटी हमारे पास। विदिन द फैमिली मतलब हम दोनों और हमारी मदर। कैसे स्प्लिट है? 30-30, 1/3, 1/3, 1/3। हाँ, 1/3। वेरी गुड। अनुपम ने आपसे पूछा वो जो 14 करोड़ है उसमें आपने इस साल कितना बर्न कर रहे हैं उसके लिए? तो इस साल पूरे साल में हम लोग उस 14 करोड़ में लगभग 4-5 करोड़ रुपीस बर्न करेंगे। बर्न करेंगे तो आप एक्चुअली लॉस मेकिंग कंपनी होगी इस साल। तो 25-30 करोड़ में तो प्रॉफिट बन नहीं रहा है, तो अगले साल उसके अगले साल क्या रेवेन्यू होगा और क्या एबिटा आएगा और पैट आएगा? सो जो नंबर्स है उसमें अगर हम नेक्स्ट ईयर अगर हम 100 करोड़ की सेल्स रीच करते हैं तो हमारे को उसमें 6 करोड़ का एबिटा मार्जिन आएगा और हम लोग को उसमें 2-3 करोड़ का उसमें पैट मार्जिन आएगा। तो आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे जब आपकी 100 करोड़ की सेल होगी, तब भी 1-2% ही पैट बोल रहे हैं? 2% यार देखो काम तो अच्छा है, बिजनेस मुझे इतना पसंद नहीं आया, तो मुझे लगता है कई हद तक जैसे जैसे धंधा बढ़ेगा 500 करोड़ से 5000 करोड़ पहुंचेगा, बहुत से प्लेयर्स आ जाएंगे, ये जो देहात एग्रो स्टार है ये छापा मार मार के बेचेंगे, आपको कमोडिटाइज कर देंगे, यू आर ऑलरेडी कमोडिटाइज, 1-2% का मार्जिन। तो इस वजह से मैं आउट हूँ, लेकिन आपने दिशा अच्छी पकड़ी है तो आई होप समथिंग वर्क्स आउट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अनुपम जो कह रहा है उसकी बात से काफ़ी सहमत हूँ, मेरे को भी लग रहा है कि कोई डिफेंसिबिलिटी नहीं मिल रही मेरे को जिसकी वजह से ये कमोडिटाइज नहीं हो जाएगा बिजनेस। सेकेंड, इतना बड़ा काम करके भी इतना लो मार्जिन बिजनेस में आगे मैं एज ए इन्वेस्टर पैसे कैसे बना पाऊंगा वो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आज मैं आउट होना चाहूंगा, पर ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं भी आउट हूं, पर आपको इसमें जो करना चाहिए ना किसी तरह, मतलब वो क्या बोलते हैं ना आपके मोबाइल शॉप्स होती है जिसमें सबसे ज्यादा फार्मर्स जाते हैं फॉर प्रीपेड और वो अला, वहां पे एजुकेशन किसी तरह आपको किसी तरह भी आपने अवेयरनेस मॉडल्स पे और स्टडी मारना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि बाकी लोग कैसे पहुंच रहे हैं, इतने फार्मर्स को कैसे रीच कर रहे हैं। तो दैट विल बी माई सजेशन टू गो डीपर इनटू मोर एवेन्यूज फॉर रीचिंग द फार्मर। मुझे एक चीज बताइए, 5 साल में क्या विजन है और कितना बड़ा बिजनेस बनेगा और क्या इंपैक्ट आएगा? 5 साल में ग्रोइट बी नोन एज डबलिंग फार्मर्स आउटपुट एंड इनकम, दैट इज व्हाट ग्रोइट वांट्स टू बी नोन फॉर, हाउएवर थ्रू प्रोटेक्टिव फार्मिंग। ठीक है, और कितना बड़ा, क्या स्केल होगा? 300 करोड़ का रेवेन्यू हम इस बिजनेस से करेंगे। 300 करोड़ का रेवेन्यू आप करेंगे और कितना पैट करेंगे उस टाइम? उसमें अराउंड 22-24 करोड़ का पैट होगा उस टाइम पे। कुछ भी बोल दो यार, 5 साल किसने देखा? नहीं, जो नंबर्स हमने रन किए वो आपको चाहिए तो वी कैन शेयर द शीट्स। मैं थोड़ा छोटा सोच रहे हो, आप टैलेंटेड हो, पढ़ाई करके आए हो, आपकी मदद से हम उसको और बढ़ा सकते हैं। हाई एंड इतनी पढ़ाई करके आए हो, आप MBA भी किया है आपने और अभी भी अच्छा बिजनेस बना रहे हो, 5 साल में हिंदुस्तान में आज अगर आप 30 करोड़ कर रहे हो, मेरे हिसाब से आपका 1000 करोड़ से कम का बिजनेस होने एम्बिशन होना नहीं चाहिए। उसीलिए हम यहाँ आए। ऑफ कोर्स होगा। हाँ, क्योंकि अगर आप 300 करोड़ का बिजनेस बनाओगे तो ऑनेस्टली हमारा पैसा नहीं बनेगा और कौन एग्जिट लेगा, तो अभी सोचना पड़ेगा स्ट्रेटेजी पे। मैं आपको ऑफर देता हूँ, मैं नमिता अगर ओके हैं तो इनके साथ जुड़ना चाहूंगा, सेम वैल्यूएशन। और देखिए, आपको सचमुच दो शार्क्स ऐसे मिल रहे हैं जो बहुत बहुत पैशनेट है डेफिनेटली सेक्टर को लेके, एंड ऑनेस्टली मैं आपको नॉट एज अ शार्क बता रही हूँ, रैशनली के अच्छा ऑफर है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। पहले तो थैंक यू नमिता एंड पीयूष फॉर द ऑफर। क्या हम काउंटर कर सकते हैं इसको? नहीं, आपका नहीं करो करो, हाँ बोलिए आपका हक है। सो सिंस हम लोगों ने लास्ट फंड रेज हम लोगों ने 50 करोड़ पे किया था, तो क्या हम 75 की वैल्यूएशन पे इसको कर सकते हैं? I'll tell you something, आपका लॉस मेकिंग बिजनेस है। मैं जब हम डेप्थ में गए, इवन दिस ईयर लॉस मेकिंग होगा। एज अ प्रिंसिपल
मैं कैश बर्न बिजनेस में बहुत रेयरली इन्वेस्ट करती हूँ. इट्स अ फेयर वैल्यूएशन. और 1% में कुछ बनेगा नहीं रिटर्न. अगर मैं बोलूं फेयर ऑफर दिया ना, लॉन्ग टर्म प्ले, बहुत फेयर ऑफर है, वेरी फेयर ऑफर. ये अरे ले लो. लेट्स हियर द डील. चलो कांग्रेचुलेशंस. देखो मैंने तो लिखी है. वेरी गुड एंड आई लव योर एंथुसियाज्म. थैंक यू. ग्रो इट. Thank you. 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 Thank you.